हाय गाइस, माय सेल्फ बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बालू जी सर। जैसा कि आज का टॉपिक है गिफ्ट वर्सेस गिफ्ट, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म होता है इसका और दोनों में विशेष अंतर क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड हेल्थ के अंतर्गत ये टॉपिक आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो एक टर्म आता है नपुंसकता, स्टेरिलिटी। अब स्टेरिलिटी ऐसे दोनों में भी हो सकता है, मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। तो अब ये अलग चीज है कि स्टेरिलिटी नपुंसकता किन में है, और नपुंसकता मतलब होता है कि बच्चे उत्पन्न करने में समर्थ न होना। तो अब इसका एक डायग्राम हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बना लेंगे, छोटा सा बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों में आखिर बेसिक अंतर क्या है। एक अंदर से इस प्रकार से खींच लेंगे, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका ओवरी और ये होता है आपका फलोपियन ट्यूब और ये जो है से आपका यूट्रस है और ये है आपका वेजाइना। तो हमको मेनली फलोपियन ट्यूब के बारे में समझना है कि फलोपियन ट्यूब क्या है। तब फलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी नलिका इसको कहा जाता है कि जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन साइट कहाँ है, फलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है कि स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म एंड ओवा का पेयरिंग होना और फ्यूजन होना, और इनके फ्यूजन से क्या बनता है, जायगोट बनता है। तो यदि किसी फीमेल में मान के चलिए कि प्रॉब्लम है, यानी इसमें एक रिलीज होने में परेशानी हो रहा है या एक नहीं बन रहा है या इसमें किसी प्रकार से ब्लॉकेज आ गया है, तो होता क्या है कि उसमें फलोपियन ट्यूब पर एक भी चाहिए और स्पर्म भी चाहिए। तो यदि किसी सोर्स से आउटसाइड से डायरेक्ट स्पर्म और ओवा यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाए तो उसको कहा जाता है गैमेट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर, उसको शॉर्ट में जिफ नाम है, जिफ स्टैंड फॉर गैमेट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर। और कभी कभी होता क्या है कि स्पर्म और ओवा को बाहर लैब में यानी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है, ये मान ले ओवा हो गया और स्पर्म को जो है एक नीडल से इंजेक्ट किया जाता है, इसमें मान ले इसमें स्पर्म हो गया और स्पर्म और ओवा दोनों मिल के बना रहे हैं जायगोट, और ये कहाँ हो रहा है, बाह वातावरण में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। तो टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है और यहाँ पर जायगोट बन रहा है। यदि जायगोट को फिर जो जायगोट बाहर बना है टेस्ट ट्यूब में बना है उसको यदि फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाए तो उसको कहा जाता है जिफ्ट, जिफ्ट स्टैंड फॉर जायगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर। तो डिफिनेशन में आ जाएंगे दोनों का, हम लोग बेसिक अंतर यहाँ समझ लेते हैं कि जिफ्ट और गिफ्ट और जिफ्ट में क्या अंतर है। तो जिफ्ट स्टैंड फॉर गैमेट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर एंड जिफ्ट स्टैंड फॉर जायगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर। सेकेंड पॉइंट है स्पर्म एंड ओवा ट्रांसफर टू फलोपियन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है एंड फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस इन फलोपियन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर फर्टिलाइजेशन होता है टू फॉर्म जायगोट इनसाइड द बॉडी। जिफ्ट में क्या है कि स्पर्म एंड ओवा कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब, यानी लैब में स्पर्म एंड ओवा कलेक्ट किया जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनेगा और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है एंड जायगोट देन जायगोट और एम्ब्रायो ट्रांसफर टू फलोपियन ट्यूब फॉर फर्दर क्लीवेज प्रोसेस। अब इस थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इट इज टाइप ऑफ इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो इन वीवो मतलब है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब है कि स्पर्म और ओवा बाहर से इंजेक्ट किया गया था फलोपियन ट्यूब में और वहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए गिफ्ट को इन वीवो फर्टिलाइजेशन या इंटरनल आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप याद रखेंगे। और जिफ्ट में क्या है, इट इज टाइप ऑफ इन विट्रो, इन विट्रो मतलब होता है कि फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी कहाँ हो रहा है, लैब में हो रहा है, पेट्री डिश में हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, यानी स्पर्म और ओवा के बीच में फर्टिलाइजेशन हो रहा है टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी। अब जब आउटसाइड बॉडी होगा फर्टिलाइजेशन तो उस फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रकार से हम उम्मीद है कि गिफ्ट और जिफ्ट का मेजर डिफरेंस आप आसानी से समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल बालू सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।